the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आसमां और एक परिंदे जैसी जिंदगी ही मेरे लिए आज़ादी का मायने रखता है। मैं अपना विचार कहीं भी अभिव्यक्त कर सकती हूँ। 1947 में देश तो आज़ाद हो गया है, लेकिन हमारे किसान वगैरह आज़ाद नहीं हुए हैं। वो उससे भी ज़्यादा जो पहले गुलाम थे, उससे ज़्यादा आज गुलाम हो चुके हैं। कहने के लिए हमारा भारत आज़ाद है, लेकिन हम महिलाएं आज भी गुलाम हैं। भारत में आज़ादी मिलने के कारण मैं स्वतंत्र रूप से अपना शिक्षा ग्रहण कर रही हूँ। जिम्मेदारी है मेरे लिए एक। कश्मीर में इस चीज़ को मनाना अभी तक ये थोड़ा इमैच्योर सा लगता है, और लोगों के एस्पिरेशंस को देखकर हम लोग शायद ही कभी मना पाएंगे इस तरीके से जिस तरीके से रेस्ट ऑफ इंडिया बाकी स्टेट्स में मनाया जाता है। जो बड़े लोग हैं उनको ही सारी सुविधा मिल रही है, जो छोटे लोग हैं उनको नहीं मिल रही है। तो आज़ादी का मकसद हम कैसे समझे कि ये हमारा देश आज़ाद हो चुका है। 170 आदमी फिलहाल जब नासाद है, दिल पे रख कर हाथ कहिए देश क्या आज़ाद है। हम आज़ाद नहीं, हम क्या पूरा हमारा दलित परिवार आज़ाद नहीं है।